मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो है वो पढ़ेंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो है मैक्सवेल का क्या है, इसके बारे में अब आपको यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर मान लीजिए कोई वैद्युत परिपथ है, कोई वैद्युत परिपथ दिया गया है, तो आपको पता है कि जब भी किसी वैद्युत परिपथ में परिवर्ती धारा प्रवाहित होती है, मान लीजिए यहाँ पर जो है इसमें समय के साथ परिवर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो समय के साथ परिवर्तित धारा प्रवाहित होती है तो इससे यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये याद रखिएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न हुआ है, यानी कि जो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, ये हमेशा परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। ये लोग याद रखिएगा, इनके बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये मान लीजिए है वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इसके लंबवत उत्पन्न होगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जब भी किसी वैद्युत परिपथ में परिवर्ती धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये हमेशा परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। तो इस स्थिति में, इस स्थिति का मतलब यहाँ पर जो है आपको ये याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और इस स्थिति में जो ऊर्जा होती है वो हमेशा तरंगों के रूप में चलती है। ऊर्जा यहाँ पर जो होती है वो किसके रूप में संचरित होती है, तरंग के रूप में। और यहाँ पर जो ऊर्जा तरंग के रूप में संचरित होती है, इन्हीं को जो हम लोग बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, और इसे ही बोला जाता है मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। एक बार फिर से समझ लीजिए मैंने क्या बताया, कि किसी भी वैद्युत परिपथ में जब परिवर्ती धारा प्रवाहित होती है तो इसके कारण जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है हमेशा परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, और इस स्थिति में जो ऊर्जा होती है वो हमेशा तरंगों के रूप में संचरित होती है। इन्हें ही हम लोग बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे, और इस सिद्धांत को बोला जाता है मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें बताया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वैद्युत परिपथ में परिवर्ती वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, और इस स्थिति में परिपथ से जो ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में प्रसारित होती है या फिर संचरित होती है, और इन तरंगों को ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा, मैंने आप सभी को इसके पहले जब विस्थापन धारा के बारे में बताया था, तो विस्थापन धारा आपको बताया गया था किससे प्रदर्शित करते हैं, ID। इस धारा की खोज क्यों की गई थी, क्योंकि जो एम्पियर का परिपथी नियम था उसमें कुछ विसंगति थी, उसी को दूर करने के लिए विस्थापन धारा की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, और विस्थापन धारा जो है ये समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण जो है उत्पन्न होती है। ये सारे पॉइंट मैंने बताए थे। तो यहाँ पर जो है इस धारा की उत्पत्ति के कारण जो है यहाँ पर एम्पियर के परिपथी नियम में कुछ बदलाव हुआ था। इसके अलावा मैक्सवेल ने जो है यहाँ पर जो आपने इसके पहले गॉस नियम पढ़ा था, जो आपको वैद्युत में पढ़ाया गया था गॉस नियम, इसके अलावा आपको याद होगा यहाँ पर जो है गॉस नियम के अलावा जो है आपने चुंबकत्व का गॉस नियम पढ़ा होगा। एक आपका वैद्युत का गॉस नियम था, एक आपका चुंबकत्व का गॉस नियम था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फैराडे का प्रेरण नियम जो है आपने पढ़ा था, फैराडे का प्रेरण नियम। इसके अलावा एम्पियर का परिपथी नियम, ये जो सारे नियम थे इनके जो सूत्र थे उनमें जो है संख्यात्मक रूप से मैक्सवेल ने थोड़ा थोड़ा जो है बदलाव किया था। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल के समीकरण। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर वैद्युत के गॉस नियम की, ठीक है, जो आपको बताया गया था कि फाई ई बराबर क्या होता था यहाँ पर आपका, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आपने पढ़ा था वैद्युत का गॉस नियम। तो यहाँ पर मैक्सवेल ने बताया कि सरफेस इंटीग्रेशन सदिश ई डॉट डी ए बराबर, इस प्रकार से लिखना है, इसके अलावा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये जो है आपका, ये आपका वैद्युत का गॉस नियम था जिसको जो है यहाँ पर
मैक्सवेल ने इस रूप में प्रदर्शित किया। ठीक है, एक तो आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करूँ, यानी कि चुंबकीय गॉस नियम का, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन सदिश बी डॉट डी ए, ये जो होता है आपका शून्य होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पर फैराडे का नियम बताया गया था आपको, एप्सिलॉन, या फिर इसी को आप स्मॉल ई से भी लिख सकते हैं, इसका मान क्या होता है, डी पाई बी बटे डी टी, ये आप लोगों ने पढ़ा था। ये आपको फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम जो है वो पढ़ाया गया था। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ मैक्सवेल के नियम के अनुसार, तो इस नियम को जो है मैक्सवेल ने इस रूप में बताया है, सरफेस इंटीग्रेशन सदिश बी डॉट डी एल बराबर माइनस डी पाई बी बटे डी टी। तो मैक्सवेल ने जो है इस रूप में यहाँ पर इस समीकरण को जो है वो व्यक्त किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो एम्पियर का परिपथी नियम है, इसके बारे में मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में ही बता दिया था, ये आपका होता है सरफेस इंटीग्रेशन सदिश बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, ये मैंने आप सभी को बताया था। इसे हम लोग मैक्सवेल एम्पियर परिपथी नियम जो है यहाँ पर बोलते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैक्सवेल ने जो है ये आपका वैद्युत गॉस नियम, चुंबकीय गॉस नियम, इसके अलावा जो फैराडे का प्रेरण संबंधी नियम था और जो एम्पियर का परिपथी नियम था, इनमें जो है इनके सूत्रों में जो है संख्यात्मक रूप से कुछ परिवर्तन किए हैं। इन्हीं परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो सूत्र बने इन्हें मैक्सवेल के समीकरण बोला जाता है। तो ये आप लोग इनके बारे में जो है याद रखिएगा, इन्हें जो है मैक्सवेल के समीकरण यहाँ पर बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में। तो वही ध्यान दीजिए, इसमें आपको बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न तथ्यों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करके गाउस, इसके अलावा फैराडे, एम्पियर आदि के भौतिकविदों ने जो है विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया एवं उन्हें जो है गणितीय रूप में व्यक्त किया। तो यहाँ पर जो मैक्सवेल थे इन्होंने इन नियमों के गणितीय रूप में, यानी कि जो इनका सूत्र था उसमें जो है आंशिक सुधार करके उन्हें चार समीकरणों के समुच्चय के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें जो है मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। तो मैक्सवेल के कौन कौन से समीकरण हैं कि मैंने अभी आपको बता दिया है, तो ये चारों समीकरण जो है मैक्सवेल के समीकरण कहलाते हैं। तो पेपर में ज़्यादातर इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मैक्सवेल के कितनी समीकरण हैं, तो आपको याद रखना है चार समीकरण हैं। कौन कौन से समीकरण हैं, तो ये आपको याद रखना है, इस रूप में जो है मैक्सवेल के समीकरणों को आप व्यक्त कर सकते हैं। तो इन्हें जो है मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है मैक्सवेल के समीकरण के बारे में। सबसे पहले तो कौन कौन से होते हैं, तो मैक्सवेल का सिद्धांत आपको पता चल गया, मैक्सवेल के समीकरणों के बारे में आपको पता चल गया। अब यहाँ पर जो है आपको पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं आप इस चैप्टर का, कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। अब देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण को समझने के लिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए तो आपको बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक ग्राफ, अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ तो जैसे कि मान लीजिए ये दिशा जो है वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के सदिश को यहाँ पर ये दिशा जो है वो प्रदर्शित कर रही है, या फिर बोल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, ये दिशा यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है और ये यहाँ पर जो है तरंग संचरण की दिशा है, यानी कि तरंग के चलने की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा। यहाँ पर सबसे पहली बात तो कि वैद्युत क्षेत्र, इसके अलावा तरंग संचरण की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं, यानी कि ये तीनों जो होंगे वो परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो ये पॉइंट तो आपको यहाँ पर
याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे कि ये आपके मान लीजिए तरंग संचरण की दिशा है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत यानी कि इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो ये तीनों जो होंगे वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के कंपन हम लोग प्रदर्शित करें, इस तरीके से आप यहाँ पर इसका ग्राफ जो है वो प्रदर्शित करेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं बात करूँ इसमें, तो जो वैद्युत क्षेत्र के कंपन होंगे वो हमेशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, जैसे कि ये तरंग संचरण की दिशा है तो इसके लंबवत होंगे वैद्युत क्षेत्र के कंपन। ये हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र के कंपन, इस तरीके से आप यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये तरंग संचरण की दिशा है तो वैद्युत क्षेत्र के कंपन जो है वो इसके लंबवत हो रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो आपका तरंग संचरण और वैद्युत क्षेत्र इन दोनों के लंबवत होगा। तो इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है इसको हम लोग इस तरह से प्रदर्शित कर देते हैं, ये आपका जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और इसके अलावा तरंग संचरण इन दोनों के लंबवत होगा। इस तरीके से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो कंपन दिख रहे हैं ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के यानी कि बी, और ये यहाँ पर जो कंपन दिख रहे हैं ये आपके वैद्युत क्षेत्र के कंपन हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि इसमें हम लोग प्रदर्शित करेंगे, तो मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र के कंपन है तो ये हमेशा इस तरह से लंबवत। इसी तरीके से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के कंपन ये प्रदर्शित कर दिया गया, वैद्युत क्षेत्र के कंपन को। बस ग्राफ अभी आप देखते रहिए, अभी आपको पूरा डिटेल में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कैसी होती है, यानी कि किस तरह से गति करती हैं। यहाँ पर ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका ग्राफ प्रदर्शित करिए। तो ये यहाँ पर हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए ये यहाँ पर जो है मैं इस बोर्ड पे बना रहा हूँ इसलिए आपको ये इस तरह दिख रहा है, बाकी यहाँ पर ये तीनों पृष्ठ जो होंगे वो आपके लंबवत ही होंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। तीनों का मतलब वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और जो तरंग के चलने की दिशा है, ये तीनों जो होंगे वो परस्पर यहाँ पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो है ये इसका ग्राफ प्रदर्शित कर दिया गया है वैद्युत चुंबकीय तरंगों का। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये तो कंपन तल दिया गया किस तरह से वैद्युत क्षेत्र के कंपन होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये वैद्युत क्षेत्र के कंपन होंगे इस तरह से, यहाँ पर दोनों ओर कंपन होंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ओर प्रदर्शित कर रहा हूँ क्योंकि आपको दूसरी तरफ चुंबकीय क्षेत्र के कंपन प्रदर्शित करने हैं, इसीलिए मैंने दूसरे में यहाँ पर इस तरह से प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र के कंपन जो होंगे वो इस तरह से होंगे और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के कंपन जो होंगे वो उसके लंबवत और इसके अलावा तरंग के संचरण की दिशा के होंगे, मतलब तीनों के लंबवत। देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या था, वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई, तो जो वैद्युत क्षेत्र के कण कंपन करेंगे वो इस दिशा में यानी कि इस तरह से कंपन होगा, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में जो कंपन होगा वो इसके लंबवत यानी कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि जो वैद्युत क्षेत्र था ये हमेशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, जैसे कि मान लीजिए इस दिशा में तरंग चल रही है तो तरंग की दिशा के लंबवत यहाँ पर जो है इसमें कंपन होंगे, और जो चुंबकीय क्षेत्र के कंपन होंगे वो आपके इस वैद्युत और इस तरंग दोनों के लंबवत होंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए जैसे आपको यहाँ पर ये समझना है, जैसे कि मान लीजिए मेरा ये हाथ है, तो अगर मैं इसको बात करूँ यहाँ पर, मैं इसको सीधा कर दूँ, तो ये आप मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये जो है किसके लिए,
वैद्युत क्षेत्र। अब ये वाला जो हाथ है मेरा, ये किसके लिए मान लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर मैं आप यहां पर ध्यान दीजिए इस तरह से करूं बिल्कुल सीधा, तो ये वाला हाथ देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये कंपन किस तरह से होंगे, इस तरह से यहां पर ध्यान दीजिए, ये दोनों कंपन जो होते हैं एक साथ होंगे, मतलब यहां पर जो है चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों इस तरह से यहां पर कंपन करेंगे एक दूसरे के लंबवत। और यहां पर जो तरंग संचरण की दिशा होगी, जैसे कि मैं यहां पर मान लीजिए गति करता हूं, यहां पर ध्यान दीजिए, तो ये मेरा हाथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, ये ऐसे ऐसे गति करेंगे और तरंग ऐसे ऐसे चलती जाएगी। तो ये होगी तरंग के चलने की दिशा। ये आप लोगों की समझ में आ गया, ये जो कंपन होगा इस तरह से, और ये दोनों साथ होंगे, मतलब वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से साथ साथ कंपन होंगे और तरंग साथ में चलती जाएगी, इस तरह से यहां पर ये चलता जाएगा, ये इस तरह से यहां पर ये कंपन होगा। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये आपकी तरंग चलेगी इस दिशा में, और यहां पर इसी के लंबवत जो है चुंबकीय क्षेत्र में कंपन होगा। तो ये तीनों जो होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसके अलावा वैद्युत क्षेत्र के कंपन, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन दोनों साथ साथ होते हैं, ये याद रखिएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इस तरह से। तो इस तरह से कंपन होंगे और तरंग इस तरह से चलती जाएगी, तो तीनों परस्पर क्या हो जाएंगे, लंबवत। ये मेरे चलने की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तीनों परस्पर कैसे हो गए, लंबवत। तो अब आप सभी को ये ग्राफ जो है पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया गया है। तो ये हो गया वैद्युत चुंबकीय तरंगों का ग्राफ, इसकी बात हो गई। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या है, देखिए यहाँ पर अभी आपको बताया गया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो आपका वैद्युत क्षेत्र और दूसरा आपका चुंबकीय क्षेत्र सदिश मान लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वे तरंगे जिसमें आपके वैद्युत क्षेत्र सदिश और इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं और समान कला में होते हैं, ये याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र सदिश और इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं और समान कला में होते हैं। और इनके लंबवत, देखिए ये आपका लंबवत था वैद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र, और इनके लंबवत जो तरंग गति करती है, यहाँ पर देख सकते हैं ये इनके लंबवत थी, तो इनके लंबवत जो तरंग गति करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। तो ये जो तरंग गति करेगी इसे ही वैद्युत चुंबकीय तरंग बोलेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा कि वे तरंगे जिसमें जो है आपके वैद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, इसके अलावा दोनों समान कला में होते हैं, और यहाँ पर जो है इनके लंबवत जो तरंगों का संचरण होता है, जिन तरंगों का, उन्हें बोला जाता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये तो हो गई बात वैद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा की, कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो है किन्हें कहते हैं। अगर मान लीजिए परिभाषा की बात होगी तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो है परिभाषा बता सकते हैं। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये परिभाषा दी गई है आपको, इसमें बताया गया है कि वे तरंगे, यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बात हो रही है, तो वही यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि वे तरंगे जिनमें, देखिए यहाँ पर जो है वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर जो है वो लंबवत हैं, और यहाँ पर जो है समान कला में होते हैं, यानी कि लंबवत होते हैं और साथ में समान कला में होते हैं, तथा इनके लंबवत इन तरंगों का संचरण होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। ये लोग याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों लंबवत होते हैं, और उनके लंबवत जिन तरंगों का संचरण होता है उन्हें जो है यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये हो जाएगा, बाकी ये ग्राफ जो मैंने बताया ये आपको बनाना है, यहाँ पर याद रखिएगा, अक्सर यहाँ पर जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन तल प्रदर्शित करिए, इस तरह से जो है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कंपन तल के रूप में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये तो परिभाषा मैंने आपको बता ही दी, अगर मैं सिंपल परिभाषा की बात करूँ कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो सिंपल ये बता सकते हैं कि वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे बोला जाता है, यानी कि ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत ही नहीं होती, यानी कि किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो ये अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं अलग से, ठीक है। ये परिभाषा मैंने आपको बता दी, जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है सभी को।
अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण या फिर बोल सकते हैं गुणों के बारे में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, ये तो आप सभी को पता चल ही गया। अगर गुण की बात करें तो ये जो तरंगे होती हैं ये प्रकाश तरंगों की भांति जो है परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। ये परावर्तित भी होती हैं और इसके अलावा अपवर्तित भी होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये तरंगे जो होती हैं प्रकाश तरंगों की भांति परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। इसके अलावा इन तरंगों की जो ऊर्जा होती है ये ऊर्जा जो होती है हमेशा वैद्युत और इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होती है। यानी इनकी जो ऊर्जा होती है ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये तरंगे जो है ये त्वरित आवेश के कारण जो है उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों की जो उत्पत्ति होती है वो किसके कारण होती है, त्वरित आवेश के कारण जो है ये तरंगे आपकी उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन तरंगों के संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। और ये तरंगे निर्वात में जो है प्रकाश की चाल से ही गति करती हैं। प्रकाश की चाल का मतलब 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, इसी चाल से जो है निर्वात में ये तरंगे आपकी गति करती हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई अन्य माध्यम दिया गया तो वहाँ पर माध्यम की चाल जो होगी 1/μ/ε ये होती है। अगर किसी अन्य माध्यम में मान लीजिए तरंगों की चाल यहाँ पर बतानी है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये जो तरंगे होती हैं उदासीन होती हैं। उदासीन का मतलब इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और अगर कोई चार्ज नहीं होता है तो इसका मतलब ये जो है वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती, यानी कि विक्षेपित नहीं होती हैं। तो ये तरंगे उदासीन होती हैं, ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में कभी भी विक्षेपित नहीं होती हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इन तरंगों की तो ये तरंगें जबकि उदासीन होती हैं विक्षेपित नहीं होती हैं, लेकिन ये तरंगे वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में खुद तो विक्षेपित नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो होती हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है खुद विक्षेपित नहीं होती हैं, लेकिन ये जो है फोटोग्राफिक प्लेट को जो है वो प्रभावित करती हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी प्रकाश वाली घटनाएं यानी कि परावर्तित अपवर्तित ये जो प्रकाश संबंधी घटनाएं होती हैं ये हमेशा वैद्युत क्षेत्र सदिश के कारण होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र सदिश के कारण ही जो है इसमें ये परिवर्तन होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर इसके जो है वो याद रखने हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखते चलिए। सबसे पहले कि ये तरंगे प्रकाश की भांति यानी कि प्रकाश की तरह परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। इसके अलावा इनकी जो ऊर्जा होती है ये हमेशा वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होती है, यानी कि दो अलग अलग भागों में बटी हुई होती है। ये तरंगे जो है त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा इन तरंगों के संचरण के लिए यानी कि गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इन तरंगों के प्रवाह यानी कि चलने की दिशा के लंबवत जो है आपका वैद्युत क्षेत्र दोलन करता है, ये तो मैंने भी आपको बताया ही। ये तरंगों के चलने की दिशा इसके लंबवत आपका वैद्युत क्षेत्र दोलन करता है, और इन दोनों के लंबवत मतलब तरंग के चलने की दिशा और वैद्युत क्षेत्र इन दोनों के लंबवत आपका चुंबकीय क्षेत्र दोलन करता है। तो वही बताया गया है कि तरंगों के प्रवाह की दिशा के लंबवत आपका वैद्युत क्षेत्र दोलन करता है, और इन दोनों दिशाओं के अभिलंब दिशा में जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कंपन या फिर दोलन करता है। और वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं ये उदासीन होती हैं, अतः ये जो है वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं, यानी कि किसी भी दिशा में इनमें विक्षेप नहीं होता है क्योंकि ये उदासीन होती हैं। इसके अलावा निर्वात में इन चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो सी यानी कि प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल जो होती है वो वी बराबर μ/ε ये होती है, ये आपको मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा ये तरंगे वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती हैं, परंतु फोटोग्राफिक प्लेट को जो है वो प्रभावित कर देती हैं। इसके अलावा इन तरंगों से
प्रकाशिक प्रभाव यानी कि जो प्रकाश वाली घटनाएं होती हैं ये वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कारण ही जो है होती हैं। इसके अलावा पॉइंटिंग सदिश का ये सूत्र मैंने लिखा है, सदिश एस बराबर 1/μ0 सदिश ई क्रॉस बी से बोलते हैं पॉइंटिंग सदिश। इसका जो औसत मान होता है ये तरंग की तीव्रता को परिमाण व दिशा दोनों में ही दर्शाता है, यानी कि पॉइंटिंग सदिश का जो मान है यानी कि इसका जो औसत मान है वो तरंग की तीव्रता को परिमाण और दिशा दोनों में ही जो है यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो ये यहाँ पर जो है की बात हो गई। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए, इसके अलावा इनके कौन कौन से अभिलक्षण होते हैं ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयामों में संबंध। अब हम लोग यहाँ पर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम में क्या संबंध होता है ये अब आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों के तात्क्षणिक मान यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के जो तात्क्षणिक मान हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि वैद्युत की बात करें तो ये होता है आपका E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होता है आपका वैद्युत क्षेत्र का तात्क्षणिक मान। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कितना हो जाएगा इसको यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है पहले वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक दिया गया के का मतलब होता है तरंग संख्या, इसे यहाँ पर बोला जाएगा तरंग संख्या। इसके अलावा ओमेगा, ओमेगा का मतलब होता है कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। और इसके अलावा यहाँ पर यूज हुआ है आपका ई नॉट और बी नॉट, ये आपका ई नॉट और इसके अलावा बी नॉट, ये दोनों जो हैं आपके आप बता सकते हैं क्रमशः ई नॉट जो है आपका वैद्युत क्षेत्र मतलब ई और बी नॉट यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के महत्तम मान बोलते हैं इन्हें, महत्तम मान या फिर इन्हें ही बोला जाता है आयाम। ये आप लोग याद रखिएगा, ई नॉट जो है ये आपका वैद्युत क्षेत्र का महत्तम मान या फिर आयाम बोलेंगे, बी नॉट को चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम मान या फिर इसका आयाम बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं। सबसे पहले वाले समीकरण का हम लोग अवकलन करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, वैसे अवकलन मैंने कई बार बताया है, मैथ वालों को तो पूरा बढ़ा ही दिया गया है लेकिन जो बायो वाले बच्चे उनको बस कुछ पॉइंट याद रखने हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो किसके सापेक्ष किया जा रहा है, एक्स के सापेक्ष। तो ये जो आपका ई दिया गया है ये आपका हो जाएगा डी ई बटे डी एक्स, ई था तो डी बाई डी एक्स लग जाएगा आपका क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहा है। अब बराबर में आइए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया ई नॉट, ई नॉट को आप ऐसे ही लिख दीजिए, ये हो गया ई नॉट। अब देखिए यहाँ पर दिया गया साइन, तो साइन का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस, अगर कहीं पर साइन एक्स दिया गया तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस। तो उसी प्रकार से ये साइन है तो इसका अवकलन आ जाएगा आपका कॉस। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये जो राशि दी गई है इसमें आपको दिया गया है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो सूत्रों की जरूरत पड़ी, वो मैं सूत्र बता देता हूँ बाकी याद रखिएगा। देखिए एक सूत्र आपका ये यूज हुआ है जो मैथ वाले उनको याद है, बायो वाले नोट कर ले कहीं पर, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, अगर ऐसा कहीं पर दिया गया है तो ये सूत्र होता है आपका कॉस एक्स।
अगर मान लीजिए इस एक्स के साथ कुछ दे दिया गया, गुणे में मान लीजिए यही चीज ऐसे लिखी होती एन एक्स, तो यहां पर भी कॉस में कितना आता आपका एन एक्स, जितना यहां पर रहेगा वही चीज यहां पर आएगी। लेकिन अगर ये सिंगल एक्स दिया गया तब तो आपका मान इतना ही आएगा, लेकिन अगर यहां पर इसके साथ गुणे में कुछ दिया गया है एक्स के साथ, तो जो भी राशि दी गई है इसका अवकलन आपको हमेशा दोबारा से करना पड़ता है। तो जब इसका अवकलन आप दोबारा से करेंगे तो जो एक्स होता है, इस एक्स का अवकलन अगर आप एक्स के सापेक्ष करें तो डीएक्स बाई डीएक्स कुल मिला के कितना आएगा, वन आएगा। तो एक्स का अवकलन वन हो जाएगा, यानी कि यहां पर कितना बचा एन, तो यहां पर एन जो होगा वो फिर गुणे में भी आएगा। बस इतना याद रखिएगा कि अगर कुछ भी अतिरिक्त दे दिया जाए एक्स के अतिरिक्त उसके साथ, तो वहां पर इसका अवकलन हम लोग फिर से करेंगे, तो वही यहां पर भी करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने साइन का अवकलन किया तो कॉस के हिसाब से ये पूरा आ गया। अब यहां पर देखिए, एक्स के गुणे में आपका दिया गया है माइनस के, तो इसका अवकलन आपको फिर से करना होगा। जब इसका अवकलन फिर से करेंगे तो ये तो आपका जीरो होगा। यहां पर देखिए, इसमें एक्स का वन हो जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के, वही माइनस के मैं सीधे आगे यहां पर गुणे में लिख देता हूं। इस तरीके से यहां पर ये जो है इसका मान आ जाएगा अवकलन करने पर इतना। ठीक है, ये हम लोगों ने किसका अवकलन किया, समीकरण एक का। अब इसी तरह से हम लोग समीकरण दो का करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर इसका अवकलन हम लोगों ने एक्स के सापेक्ष किया था। ठीक है, अब इसका अवकलन हम लोग टी के सापेक्ष करेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब यहां पर आप लिख सकते हैं समीकरण दो का अवकलन टी के सापेक्ष करने पर। अब इसका अवकलन जो आपको टी के सापेक्ष करना है, देखिए सूत्र क्या था, ये बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा आपको दिया गया था। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा आपका डी बी बटी डी टी, क्योंकि टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो ये इतना आएगा, बराबर में हो जाएगा बी नॉट। अब साइन का अवकलन क्या बन जाएगा, कॉस, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब मैंने बताया इसका अवकलन आपको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जब इसका अवकलन फिर से करेंगे तो अब की बार किसके सापेक्ष अवकलन किया गया, टी के सापेक्ष, तो टी वाला पद ये है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो टी का वन हो जाएगा, यहां पर कितना बचेगा ओमेगा, वही ओमेगा आपका यहां पर गुणे में आ जाएगा इस तरीके से। बाकी अब की बार ये वाला पद आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग टी के सापेक्ष कर रहे हैं, पिछली बार हम लोगों ने एक्स के सापेक्ष किया था, तो ये मान आपका यहां पर इतना आ जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने समीकरण एक और दो, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के तात्क्षणिक मान थे, उनका यहां पर अवकलन किया गया है। अब इसके बाद हम लोग मैक्सवेल के समीकरण का यहां पर यूज करेंगे। तो अब आप बता सकते हैं मैक्सवेल समीकरण से, मैक्सवेल समीकरण बोल सकते हैं या फिर मैक्सवेल नियम बोल सकते हैं। ठीक है, मैक्सवेल समीकरण से, तो ये आपको याद रखना है मैक्सवेल समीकरण के अनुसार टी ई बट्टी डीएक्स जो होता है ये आपका माइनस डी बी बट्टी डी टी के बराबर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, मैक्सवेल के समीकरण के अनुसार डी ई बट्टी डीएक्स जो होगा वो माइनस डी बी बाई डी टी के बराबर होता है। इसका मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है, यहाँ पर डी ई बट्टी डीएक्स ये मान हो जाएगा आपका, और वही मान हम लोग यहां पर रखेंगे इसमें, तो ये मान हो गया इसका इस वाले पद का। अब इसके बाद बराबर यहां पर ध्यान दीजिए माइनस लगाए, माइनस लगा दीजिए इसमें, और इसके अलावा यहां पर डी बी बटे डी टी इसका मान आपको ये दिया गया है, ये मान यहां पर रख दीजिए। अब इन दोनों में अगर ध्यान दें यहाँ पर, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है माइनस से ये माइनस कट जाएगा, कॉस वाले से ये वाला कॉस कट जाएगा, इस तरीके से ये इतना कैंसिल होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आ जाएगा आपका ई नॉट, और इसके गुणे में कितना दिया गया आपको के, यानी कि के ई नॉट, यहाँ पर कितना आया ओमेगा बी नॉट, इस तरीके से ये मान इतना यहाँ पर जो है बच जाएगा। अब इसके बाद ई नॉट बटे
ये बी हम लोग इधर ले आए तो बी नॉट बराबर में आपका हो जाएगा ओमेगा, और ये बट्टे में आ जाएगा तो के। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ सूत्र पता होने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ के तरंग संख्या की, तो के बराबर आपका होता है 2π/λ। ये सूत्र है तरंग संख्या का, के बराबर 2π/λ। और इसके अलावा अगर मैं ओमेगा की बात करूँ तो 2π। देखिए यहाँ पर मैं आपको एफ भी बता सकता था, मैंने बताया ओमेगा बराबर आप 2π f लिखते हैं, f मतलब आवृत्ति। यहाँ पर मैंने आवृत्ति को न्यू से लिख दिया, ये न्यू है याद रखिएगा, वी नहीं है, न्यू है, ठीक है। तो 2π न्यू का मतलब आवृत्ति से है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, ओमेगा बाई के। तो अगर इनके हम लोग मान रखें यहाँ पर ओमेगा बाई के, तो अब ध्यान दीजिए ओमेगा का मान कितना हो जाएगा आपका 2π न्यू बट्टे के का मान हो जाएगा आपका 2π/λ। तो अब इसमें आपका 2π से 2π कट जाएगा, ये आएगा आपका E0 E0 बट्टे E0 बराबर, ये लेमडा पलट के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यू लेमडा, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक सूत्र ये भी आपका होता है, C बराबर न्यू लेमडा, यानी कि जो प्रकाश की चाल होती है वो हमेशा आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप न्यू लेमडा की जगह पर कितना यूज कर सकते हैं, सी का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है आपका, ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर E0 बट्टे B0 बराबर C। ये यहाँ पर जो है फॉर्मूला आ जाएगा, सी आप जानते हैं प्रकाश की चाल है। तो यहाँ पर जो आपको ये पता होना चाहिए कि E और B एक ही कला में है, या फिर बोल सकते हैं समान कला में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एक कला में है। तो जब ये यहाँ पर एक ही कला में है तो इनके आयामों का अनुपात, मतलब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयामों का अनुपात क्या हो गया, ये प्रकाश की चाल के बराबर है। तो इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो भी आपका जो है निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होगा। तो अगर पेपर में आयामों में संबंध पूछा जाए तो आप E0 बटे B0 बराबर C बताएंगे, और अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में आयाम पूछा जाए संबंध, तो फिर आपको ये बताना है E बटे B बराबर C, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इस सूत्र के अनुसार आप क्या बता सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों का जो अनुपात होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का जो अनुपात होता है कि आपका निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि अतः वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात मुक्त आकाश बोल सकते हैं, या फिर निर्वात बोल सकते हैं, मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल के बराबर होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र के आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के आयामों में जो है वो आप यहाँ पर संबंध जो है ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसके बारे में बता सकते हैं।